हाउ टू क्रिएट अबाउट अस पेज इन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में अबाउट अस पेज कैसे बनाए गाइज, ये चीज मैं आपको आज बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एलिमेंटर और उसका एडऑन्स भी इंस्टॉल करवाया था। तो एलिमेंटर और उसके एडऑन्स के एलिमेंट्स को लेकर के आज हम अबाउट अस पेज बनाएंगे, एक अट्रैक्टिव सा अबाउट अस पेज बनाएंगे जो कि नॉर्मल सिंपल अबाउट अस पेज से गुना ज्यादा बेटर है। तो गाइज, ब्लॉग कैसे बनाए इस सीरीज का ये तीसरा वीडियो। इससे पहले के दो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। और गाइज, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से एकदम स्टार्टिंग से पेज बना करके बताया है पूरा लास्ट तक, और लास्ट में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताए हैं। अगर आप उन सेटिंग्स को नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो पेज है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव ना हो और डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो दिखने लगे और फिट ना हो पाए स्क्रीन पे। तो लास्ट में वीडियो, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं डैशबोर्ड पर और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं डैशबोर्ड में, और ठीक है, और डैशबोर्ड में आने के बाद आपको सिंपली पेजेस क्रिएट करने हैं। तो पेजेस क्रिएट करने के बाद हमें करने के लिए हमें पेजेस पे जाना होगा। पेजेस पे जाने के बाद मैं अभी चलता हूँ ऑल पेजेस पे, और ऑल पेजेस पे जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी कोई भी पेजेस नहीं है। तो हम सिंपली करते हैं ऐड न्यू, और ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पर हमें टाइटल दे देना है। तो हम टाइटल में दे देंगे अबाउट अस, एंड यहाँ पर अभी हम कंटेंट में, अगर आप चाहें तो आपको, अगर आपको सिंपल बनाना है अबाउट द स्पेस तो आप यहाँ पे कंटेंट लिख दीजिए और पब्लिश कर दीजिए तो सिंपल बन जाएगा। बट हम यहाँ पर, क्योंकि हम, मैंने आपको एलिमेंटर इंस्टॉल कराया था और उसका एड ऑन भी इंस्टॉल कराया था पिछले वीडियो में, हम एलिमेंटर से इस पेज को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो बस हमें यहाँ पर टाइटल देना है, कंटेंट कुछ नहीं देना है, कंटेंट हम एलिमेंटर के पार्ट में जाकर के वहाँ से देंगे। उसके बाद यहाँ पर जाना है आपको पेजेस पर। पेजेस पर जाने के बाद यहाँ से आपको स्लग वगैरह अगर आपने सेटिंग कर रखा है तो बन जाएगा ऑटोमेटिक, आप जाकर के हमारा सेटिंग्स वाला वीडियो देख लीजिएगा वर्डप्रेस का। उसके बाद सिंपली हमें यहाँ पर साइड बार लेआउट में जाना है, एंड यहाँ पर नो साइड बार कर देना है। ये जो साइड बार है हमें पेजेस पर नहीं चाहिए, ये सिर्फ पोस्ट पर ही दिखेंगे, ओके। यहाँ पर नो साइड बार कर देना है, और यहाँ पर जो है डिसेबल एलिमेंट्स है तो कंटेंट टाइटल कर दीजिएगा तब ये डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको पब्लिश कर देना है, एंड हम पेज को पब्लिश कर देते हैं। तो पेज हमारा यहाँ पर पब्लिश हो चुका है। अब आपको सिंपली यहाँ पर एडिट विथ एलिमेंटर का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर एलिमेंटर जो है यहाँ पर लोड होने लगेगा, कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस आएगा। तो हम इसको लोड होने देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एलिमेंटर जो है ओपन हो चुका है, और यहाँ पर जो है आपको एक ब्लैंक पेज दिख रहा है। ये हमारा अबाउट अस पेज ही है, बट हमने टाइटल को डिसेबल कर रखा है इसलिए यहाँ पर टाइटल वगैरह नहीं दिखा रहा है। तो कुछ अभी ब्लैंक पेज आपको दिख रहा है। यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ से कंटेंट वगैरह ऐड करेंगे। अगर आपको एलिमेंटर अच्छे से नहीं आता है तो आपको यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट स्टिल आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको एलिमेंटर पूरा सीखना है तो आप कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर हम एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे। तो सिंपली यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्स पहले ऐड करने होंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले, देखिए पेज में अभी कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले बेसिकली हमें पेज में एक टाइटल ऐड करना होगा। तो टाइटल ऐड करने के लिए हम यहाँ से एक स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करेंगे जिसमें एक लेआउट हो। तो इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड यहाँ पर कंटेंट विड्थ में फुल विड्थ कर देना है, एंड यहाँ से कर देना है अपडेट। फिर यहाँ पर जाना है आपको इस आइकन पर, और यहाँ से जाने के बाद यहाँ हेडिंग का एक ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। एड ऑन का भी एलिमेंट्स है इसमें, और एलिमेंटर का भी जो है एलिमेंट है इसमें। जो फ्री होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा, जो प्रो होगा वो जो है आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हेडिंग है, हेडिंग को हम यहाँ से ड्रैग करेंगे एंड यहाँ पर ले जा करके ड्रॉप कर देंगे। आपको सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उसके बाद यहाँ से हम हेडिंग को एडिट करेंगे एंड यहाँ पर लिख देंगे अबाउट अस लिखेंगे, और लिंक वगैरह हमें अभी कुछ भी नहीं देना है। साइज़ में हम इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, या तो हम साइज़ को बढ़ा देते हैं, XXL कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। और उसके बाद अलाइनमेंट में हम इसको कर देंगे सेंटर। उसके बाद फिर हम चलेंगे स्टाइल पर, और आप अपडेट करते रहिएगा। कुछ भी आप चेंजेस करेंगे तो हर चेंजेस के बाद यहाँ से अपडेट कीजिएगा, अदरवाइज वो चेंजेस अपडेट नहीं होगा, सेव नहीं होगा। टेक्स्ट कलर यहाँ से हम अभी इसको चेंज करेंगे थोड़ी देर में, पहले हम क्या करते हैं इसको अपडेट करते हैं। और यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था इसमें मैं आपको पैरेलैक्स इफेक्ट भी बनाना सिखाऊंगा, तो यहाँ पर आपको इस स्ट्रक्चर के जो यहाँ पर ये आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना, स्ट्रक्चर का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ से हम इसके हाइट को जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, थोड़ा सा हम हाइट को यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो हाइट हम और थोड़ा सा कम करेंगे, लगभग यहाँ से आपको 150 के अकॉर्डिंग आप हाइट रख सकते हैं, या तो आप अपने पेजेस के अकॉर्डिंग जिस टाइप का पेज बना रहे उस टाइप का आप रख सकते हैं। तो मैं फिलहाल इतना हाइट इसका रहने देता हूँ, यहाँ पर हम इसको 150 कर देते हैं हाइट को, या
ओके 150 हाइट मुझे सही लग रहा है। उसके बाद हम सीधा यहाँ से करेंगे अपडेट एंड उसके बाद फिर चलेंगे स्टाइल पे। स्टाइल पे जाने के बाद यहाँ पर से आपको बैकग्राउंड को ऐड करना है। स्टाइल पे जाएंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड का जो ऑप्शन है उस यहाँ पर आपको नॉर्मल में आना है। नॉर्मल में जाने के बाद क्लासिक में जाना है। क्लासिक में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक इमेज को ऐड करना है। इमेज मैंने यहाँ पर जो है अपलोड कर रखा है अपने मीडिया लाइब्रेरी में। अगर आपने अपलोड आपको अपलोड करना है कोई इमेज तो यहाँ अपलोड फाइल पे जाके कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे मीडिया लाइब्रेरी में कुछ इमेजेस हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला अबाउट अस का इमेज जो है मैंने यहाँ से डाउनलोड कर रखा है। आप पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी इमेज आप डाउनलोड कीजिएगा उसका विड्थ थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं इसका विड्थ ज़्यादा है ताकि यहाँ पर ये अच्छे से फिट हो जाए। ओके तो हमने यहाँ पर इमेज को जो है ऐड कर दिया है। इमेज को ऐड करने के बाद सिंपली आपको जाना है पोजीशन पे। पोजीशन पे जाने के बाद आप यहाँ से पोजीशन दे करके अपने इमेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिएगा। फिलहाल मैं अगर सेंटर देता हूँ तो कुछ इस टाइप से आ रहा है, टॉप सेंटर में कुछ इस टाइप से आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर कस्टम पे जा करके पोजीशन एक्स एंड पोजीशन वाई को दे करके भी एडजस्ट कर सकते हैं। पोजीशन एक्स आपका ये विड्थ हो जाएगा, पोजीशन वाई आपका हाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल हम सेंटर एंड सेंटर जो ये वाला लिखा हुआ है इसको कर देते हैं, या तो हम टॉप सेंटर को रहने देते हैं। इस चीज़ को हम रहने देते हैं टॉप सेंटर को। आप अपने अकॉर्डिंग जो एडजस्ट कर लीजिएगा अपने इमेज को। अटैचमेंट में जाना है। अटैचमेंट में जाने के बाद आपको यहाँ से फिक्स्ड कर देना है इस चीज़ को। उसके बाद आपको जाना है रिपीट में। रिपीट में जाकर नो रिपीट करना है। उसके बाद जाना है साइज में। साइज में जाने के बाद आपको कवर कर देना है कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर सेटिंग आप देख लीजिए, यहाँ का सेटिंग आप मिस मत कीजिएगा। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ का सेटिंग्स देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद यहाँ पर आपको बैकग्राउंड ओवर लेयर पे जाना है। बैकग्राउंड ओवर लेयर पे जाने के बाद यहाँ से हम इस इमेज के ऊपर में बैकग्राउंड के ऊपर में थोड़ा सा ओवर लेयर देंगे। यहाँ पर नॉर्मल में जाएंगे। नॉर्मल में जाने के बाद ग्रेडियंट में जाएंगे। ग्रेडियंट में जाने के बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, होवर पे करके जा करके आप जो है कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी अगर यहाँ पर कर्सर को होवर करेगा तो वो कलर वगैरह जो चेंज होगा वो हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट करेंगे। तो पहला कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ ब्लू टाइप का, कुछ इस टाइप का कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा सेकेंड कलर हम थोड़ा सा पर्पल टाइप में कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस टाइप से। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप मिल जाएगा रेडियल या लाइनर करना है तो हम यहाँ पर जो है लाइनर ही रहने देंगे। एंगल को हम थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं कि ब्लू और जो है आपको यहाँ पर इसका पर्पल का एंगल सेलेक्ट कर सकते हैं किस एंगल में दोनों रहेगा। तो आपको यहाँ पर लाइव प्रीव्यू भी दिखता है हर चीज़ का, ये एक एलिमेंटर की अच्छी बात है। तो आप यहाँ पर लाइव प्रीव्यू देख करके सभी चीज़ों को कर सकते हैं। उसके बाद ऑपेसिटी, तो ऑपेसिटी हम इसका थोड़ा सा बढ़ा देंगे एंड एंगल को हम थोड़ा सा कम करेंगे कुछ इस टाइप से। ओपेसिटी हम थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा इसको और बढ़ा देते हैं। ओके इतना काफ़ी है। उसके बाद हमें यहाँ पर जो है ब्लेंड मोड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर नॉर्मल ही आपको रहने देना, या तो आप चेक करके यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पर कर देना है अपडेट। और अपडेट करने के बाद अब हमें चलना है ये अबाउट अस जो है ये ब्लू है तो इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है इस एलिमेंट को एडिट करने के लिए। यहाँ पर पेंसिल के आइकन पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो स्टाइल के अंदर में आपको यहाँ पर टेक्स्ट कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सिंपली अगर येलो कर दें, हाँ तो येलो में ये सही लग रहा है, सॉरी वाइट में ये सही लग रहा है तो वाइट रहने देंगे। टाइपोग्राफी पे आपको जा करके देख लेना, अगर आप फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट चेंज करना चाहें रोबोटो सही है। साइज और विड्थ आपका जो है वेट आपका मतलब बोल्ड यहाँ पर दिखा रहा है तो मैं इसको 700 कर देता हूँ। और सब चीज़ यहाँ से सही है, आप जा करके यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कोई खास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, यहाँ से आप बस इसको डिज़ाइन वगैरह कर सकते हैं और डेकोरेट कर सकते हैं। इसको हम करेंगे यहाँ से सिंपली अपडेट। टेक्स्ट शैडो पे जाएंगे। टेक्स्ट शैडो पे जाने के बाद यहाँ पे हम ब्लर इफेक्ट को थोड़ा सा कम करते हैं, 2-3 के अराउंड रखेंगे। एंड यहाँ पर आप देखिएगा लाइव प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो कुछ इस टाइप का इफेक्ट हमें देखने को मिल जाएगा। तो हम इसे आप इसको 6, 7 या 8 पर रख दीजिएगा तो और भी ज़्यादा एकदम शानदार इफेक्ट आएगा। हम इसको 7 पर रख देते हैं और इसे हम कर देते हैं अपडेट। अपडेट करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप का आपका अबाउट अस यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। कलर वगैरह आप इसको और अच्छे से करेंगे तो और सही से हो जाएगा। अभी ये पैरेलैक्स इफेक्ट आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि नीचे कंटेंट नहीं है तो ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है। धीरे धीरे ये चीज़ मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। ओके हम फिर चलते हैं यहाँ से। अब हम अबाउट अस हम दे चुके हैं तो यहाँ पर अब हमें कुछ कंटेंट ऐड करना होगा। तो कंटेंट के लिए हम यहाँ पर सिंगल स्ट्रक्चर को ऐड कर देते हैं। सिंगल स्ट्रक्चर ऐड करने के बाद यहाँ से फुल विड्थ करेंगे। फुल विड्थ करने के बाद यहाँ से इसको हम कर देंगे अपडेट एंड यहाँ पर जाएंगे इस आइकन पर। इस आइकन पर जाने के बाद यहाँ से हमें क्या करना है, एक हमें टेक्स्ट एडिटर जो यहाँ पर दिख रहा है इस टेक्स्ट एडिटर को हम उठाएंगे और यहाँ से ला करके यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो एक काम आप और कर सकते हैं, यहाँ पर से आप जो ये दो एलिमेंट्स दो जो है इसमें लेआउट है तो इसको अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे
तो जैसे अगर मैं दो लेआउट को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, तो एक लेआउट में आप यहाँ पर इमेज दे दीजिएगा और एक लेआउट में आप यहाँ पर जो है टेक्स्ट एडिटर की मदद से यहाँ पर टेक्स्ट लिख दीजिएगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि इस टाइप में आपका लोगो आ जाएगा और इस टाइप में इधर आपका टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मेरे पास मेरा लोगो वगैरह नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हेडलाइन जो है यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर है, एक टेक्स्ट एडिटर को हम यहाँ पर सिंपली ऐड कर देते हैं। एंड ऐड करने के बाद यहाँ पर अब सिंपली हमें क्या करना है, तो यहाँ पर से हमें जो है इसमें टेक्स्ट को ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को पहले ऐड कर देता हूँ, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने कंटेंट को ऐड कर दिया और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस टाइप का कंटेंट अभी हमारा यहाँ पर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मुझे कंटेंट थोड़ा सा कम लग रहा है, तो हम क्या करते हैं इसको एक बार फिर से कॉपी करेंगे एंड कॉपी पेस्ट हम इसको फिर से कर देंगे। ठीक है, तो हम इसी चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ फिर से। आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कंटेंट को लिख दीजिएगा, मेरा कंटेंट यहाँ पे कम पड़ रहा था इसलिए मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा और ज़्यादा हो जाए। ओके, इतना हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉप कैप को अगर आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप का जो ऐसे एच लिखा हुआ आता है, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा जा करके। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है कॉलम्स वगैरह देखने को मिल जाएगा, तो इसको हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, कॉलम गैप को भी डिफ़ॉल्ट ही यहाँ से रहने देंगे। उसके बाद इसको कर देना है अपडेट। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ से चलना है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, आपको यहाँ से चलना है ऊपर और जाना है स्टाइल वाले सेक्शन में। स्टाइल वाले सेक्शन में आप जैसे ही जाएंगे तो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट हमारा ये सही है, ऐसे ही रहने देंगे। टेक्स्ट कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो भी हम रहने देंगे। टाइपोग्राफी में जाएंगे तो फिर से आपको वही सब ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप इसको जा करके देख लीजिएगा। उसके बाद टेक्स्ट शैडो तो आप जानते ही हैं। उसके बाद हम सिंपली इसको कर देते हैं यहाँ से अपडेट। एडवांस के ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप जो है इसका बैकग्राउंड वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर बॉर्डर वगैरह जो भी चीज़ें हैं ये सब आप जा करके देख सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ लग रहा है कि यहाँ पर देखिए ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इसके बीच में गैप नहीं है, बहुत क्लोज हो जा रहा है अबाउट अस और इसका कंटेंट। तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा इस स्ट्रक्चर को, और इस स्ट्रक्चर के ऑप्शन पे जाने के बाद हम यहाँ से जाएंगे एडवांस पे। एडवांस पे जाने के बाद देखिए अब ये मार्जिन लिंक है, ये सब मार्जिन ऑन पैडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एक चीज़ को जो है इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पर टॉप और बॉटम दोनों होने लगेगा। तो हम इसको पहले जीरो कर देते हैं एंड उसके बाद हमको यहाँ से इसको एक बार क्लिक करेंगे तो अब ये लिंक नहीं है, अब ये लिंक नहीं रहा, हट चुका है। तो अब हम ऊपर से मार्जिन देंगे, थोड़ा सा यहाँ पर हम मार्जिन दे देते हैं, लगभग 15 दे देते हैं, 15 नहीं होगा 20 हम दे देते हैं मार्जिन यहाँ पर। तो लगभग 20 मार्जिन देने के बाद ये कुछ अभी सही लग रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा गैप आ गया, लेकिन फिर भी अभी उतना भी ज़्यादा गैप नहीं है जितना मुझे चाहिए। तो हम इसको करेंगे 30, आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू दे करके देख सकते हैं। इतना पे हम रहने देते हैं और इसको हम कर देते हैं अपडेट। ठीक है, हमें सिंपली कुछ इस टाइप का पेज बन गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सोशल लिंक्स लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं एक एलिमेंट्स को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर एक सबसे पहले तो एक एलिमेंट को ऐड करना होगा। यहाँ से हम यहाँ से प्लस वाले आइकन पे जाएंगे और एक फुल स्ट्रक्चर एलिमेंट को हम यहाँ से ऐड करते हैं। और यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर फुल विड्थ सेलेक्ट कर लेना है। फुल विड्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से कर देना है अब। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए टेक्स्ट। अगर हम इसको टेक्स्ट सर्च करते हैं तो फिर आपके सामने यहाँ पर एक फैंसी टेक्स्ट नाम का जो ये एड ऑन जो हमने इंस्टॉल किया था, ये उस चीज़ का एलिमेंट है जो मैंने आपको एलिमेंटर का एड ऑन इंस्टॉल करवाया था। तो यहाँ पर आपको जाना और फैंसी टेक्स्ट प्रीफिक्स टेक्स्ट जो है मीन्स यहाँ पर देखिए दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिंग, यहाँ पर जो है ये बार बार चेंज होता रहेगा। तो बीच में अभी हम लोग देखिए इसको कैसे बनाएंगे। प्रीफिक्स टेक्स्ट में आपको क्या कर देना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉलो अस ऑन, फिर उसके बाद यहाँ से सफिक्स टेक्स्ट मुझे अभी नहीं चाहिए मीन्स बाद में जो आएगा उसको हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं बैक स्पेस से। उसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग पे जाएंगे एंड फर्स्ट स्ट्रिंग पे जाने के बाद मैं इसको कर दूंगा डबल ओके फेसबुक। फर्स्ट स्ट्रिंग को हम कर देते हैं फेसबुक एंड सेकेंड स्ट्रिंग पे जा करके हम इसको कर देते हैं इंस्टाग्राम। और उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग पे हम जाएंगे एंड थर्ड स्ट्रिंग पे जा करके हम इसको कर देंगे ट्विटर। वैसे अगर आपने ही फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, ट्विटर कर देंगे एंड यहाँ पर ऐड न्यू पे आप करके जो है यहाँ से और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूट्यूब। ठीक है, तो फिलहाल मुझे ये यूट्यूब नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर 3 ही रहने देंगे। अगर आपको डुप्लीकेट करना है तो इस चीज़ पर आप क्लिक करके इस आइकन पर आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा काम हो चुका। अब आप देखिए यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है फॉलो अस ऑन, फिर यहाँ पर फेसबुक आएगा, फिर ये इरेज होकर के इंस्टाग्राम आएगा, तो कुछ इस टाइप का यहाँ पर लुक रहेगा। उसके बाद आपके यहाँ पे करना है अपडेट। उसके बाद यहाँ पर आपको फैंसी टेक्स्ट सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर एक ही स्टाइल है, दूसरा स्टाइल प्रो वर्जन में है,
उसके बाद आपके यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर ही रहने देंगे हम। एनिमेशन टाइप में आप किस टाइप का इसको एनिमेट करना चाह रहे हैं, जैसे अगर हम फेड करते हैं तो यहाँ पर ये फेड होने लगेगा, अभी टाइप हो रहा था आप देखिए ये फेड होने लगेगा यहाँ पर, है ना, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको टाइपिंग रहने देंगे, टाइपिंग मुझे एनिमेशन सही लग रहा है, टाइप हो रहा है तो टाइपिंग का स्पीड क्या होना चाहिए, जो टाइपिंग का स्पीड मुझे सही लग रहा है, टाइपिंग का स्पीड हम सही वैसे ही रहने देंगे। डिले कितना देर में चेंज होना चाहिए, तो 2500 है, मैं इसको लगभग 19 कर देता हूँ, ठीक है 1900 कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से सिंपली यहाँ पर लूप दी टाइपिंग मिस टाइपिंग रिपीट होना चाहिए, या फिर तीन स्ट्रिंग हमने दिया था तो तीन बार चल के रुक जाना चाहिए, तो लूप रहने दीजिएगा। डिस्प्ले द टाइप कर्सर, ये जो आपका कर्सर है ये डिस्प्ले होना चाहिए या नहीं, लास्ट में जो ये ब्लिंक कर रहा है तो ये डिस्प्ले होना चाहिए। उसके बाद हम इसको कर देंगे सिंपली अपडेट, उसके बाद हम चलेंगे स्टाइल पर, और स्टाइल पर जाने के बाद जो प्रीफिक्स टेक्स्ट कलर जो यहाँ पे आगे में जो आ रहा है इसका टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, तो हम जाएंगे इसको थोड़ा सा हम पर्पल या पिंक टोन में, इसको थोड़ा सा इस हम पर्पल टोन में रहने देते हैं, आप कलर वगैरह को एडजस्ट कर लीजिएगा सही से। फॉलोअर्स ऑन कुछ इस टाइप से ट्राइपोग्राफी पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर साइज को मैं इसका थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया इंक्रीज, इतना पे हम रहने देते हैं, ठीक है। फॉन्ट फैमिली वगैरह आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसका ये सब देख लीजिएगा आप, बोल्ड है या फिर स्टाइल वगैरह अपर केस लोअर केस वो सब आप जा करके देख लिया, बहुत ईजी ऑप्शन है। उसके बाद फैंसी जो टेक्स्ट है इसका, ये जो टेक्स्ट जो बार बार आ रहा है जा रहा है फेसबुक वगैरह, इसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, यहाँ पर कलर वगैरह क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें तो आप देख लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, हम फटाफट से इसको निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कलर वगैरह ज़्यादा कुछ है नहीं, सॉलिड कलर मुझे कुछ इस टाइप का कलर सही लग रहा है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद जो सफिक्स है, तो सफिक्स तो जो लास्ट में होता है उसको हमने इरेज कर दिया, वो हमारे में है नहीं, और उसके बाद फिर आपको एडवांस में जा करके कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब चीज़ सही है, हम सिंपली इसको कर देंगे अपडेट। एंड यहाँ पर ये फॉलोअर्स ऑन जो है ये बड़ा हो गया क्योंकि इसका हमने साइज बड़ा कर दिया था, और ये वाला थोड़ा छोटा हो चुका है, तो हम फिर से जाएंगे स्टाइल पे जाएंगे, फैंसी टेक्स्ट पे जाएंगे, और फैंसी टेक्स्ट पर जाने के बाद इसका यहाँ पर आपको साइज ट्रैपोग्राफी पे जाना है, एंड यहाँ पर जाने के बाद आपको साइज को यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, हमने उसका साइज शायद 27 या 28 रखा था, तो हम इसको भी 28 कर देते हैं, 27 या 28 जो भी था। उसके बाद जो है इसको आपको सिंपली अपडेट कर देना, और ये काम हमारा हो चुका है। हम यहाँ पर मार्जिन वगैरह थोड़ा सा मुझे सही लग रहा है, या फिर थोड़ा सा हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, बट सही है यहाँ पे, उतना कुछ करने की जरूरत है नहीं। उसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली हमें जाना है यहाँ पर स्ट्रक्चर पर, स्ट्रक्चर पर जाने के बाद एक सिंगल स्ट्रक्चर को यहाँ से ऐड कर लेना है, सिंगल स्ट्रक्चर को ऐड करने के बाद यहाँ से आप इसको फुल विड्थ कर दीजिए सेम, एंड यहाँ से हम करते हैं अपडेट। उसके बाद हम यहाँ पर चलेंगे, और यहाँ पर जाने के बाद आपको जो है आइकन सर्च कर लेना है, मैं यहाँ पर सिंपली आइकन को सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर सोशल आइकन एक जो है एलिमेंट आपको दिख रहा है, ये एक एलिमेंटर का एलिमेंट है, तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड मतलब ड्रैग करेंगे एंड यहाँ पर जाकर के ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए सोशल आइकन में फेसबुक वगैरह ट्विटर यूट्यूब वगैरह ये आ चुका है, इस पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप आइकन को अगर कोई दूसरा आइकन लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। यहाँ पर आप अपना फेसबुक का जो लिंक होगा वो दे दीजिएगा, मेरे पास अभी मैं नहीं देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर हाइड कर दूंगा। सेटिंग्स में जाकर के आप यहाँ पर ओपन इन न्यू टैब को ओपन कर दीजिएगा ताकि वो न्यू टैब में आपका ओपन हो जाए, फिर ऐसे तो ये बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहता है। उसके बाद आपको कलर कौन सा सेलेक्ट करना, ऑफिशियल कलर सही है, कस्टम कलर पे आप करेंगे तो यहाँ से कलर वगैरह सेलेक्ट कर पाएंगे, मैं इसका ऑफिशियल कलर ही रहने दूंगा। उसके बाद जाना है ट्विटर पे भी जाकर के हम हैश दे देते हैं एंड कलर ऑफिशियल ही रहेगा, यूट्यूब पे भी जाकर के हम हैश दे देते हैं एंड कलर को हम ऑफिशियल ही रहने। यहाँ पर सिंपली हमें ऐड न्यू पे जाना है, ऐड न्यू पे जाके मैं यहाँ पर जो है आइकन पे आप क्लिक करेंगे, आइकन पे क्लिक करके मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ इंस्टाग्राम, हम जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे इंस्टाग्राम आ चुका है, इंस्टाग्राम को हम यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं। इंस्टाग्राम का आइकन गाइज यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हम पहले हैश दे देते हैं, यहाँ पर कोई भी लिंक जब नहीं होता तो आप हैश दे करके छोड़ सकते हो, ठीक है, तो हैश दे दोगे तो वो कहीं भी रिडायरेक्ट नहीं होगा। या तो यहाँ पर अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर कलर्स में ऑफिशियल कलर रहने देंगे, लेकिन गाइज यहाँ पर एक कैच है कि यहाँ पर आपको ब्लैक कलर ही मिलेगा, इंस्टाग्राम का जो ऑफिशियल कलर उस टाइप का यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। या तो आप कस्टम पे जाके सेलेक्ट जा करके सेलेक्ट कर लीजिए कलर, या तो यहाँ पर आपको अपलोड SVG का जो ऑप्शन मिल रहा है आप जाइए सिंपली गूगल पे जाने के बाद आपको लिखना है जस्ट वेट अ सेकेंड Instagram SVG आप आइकन सर्च करेंगे यहाँ पर Instagram SVG आइकन, तो यहाँ पर देखिए आपको जो है कुछ वेबसाइट्स मिल जाएंगे, आप जा करके आइकन जो को जो है यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा Instagram का, और यहाँ पर सिंपली आप आइएगा और अपलोड SVG पे जा करके आप यहाँ से सिंपली अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है, अगर आपको कोई दूसरा आइकन चाहिए तो। फिलहाल मैं इसको यही रहने दूंगा। उसके बाद हमें जाना है शेप्स में, शेप्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे राउंड है या स्क्वायर सर्कल, तो मैं इसको सर्कल कर दूंगा, सर्कल सही लगता है। कॉलम ऑटो रहने देंगे, उसके बाद हम सेंटर पे ही रहने देंगे और हम कर देंगे अपडेट।
उसके बाद हम जाएंगे स्टाइल पे। स्टाइल पे जाने के बाद गाइज यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस फिर से देखने को मिल जाएंगे, जैसे साइज वगैरह। तो साइज वगैरह मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। पैडिंग आपको अगर देना है ऊपर नीचे से, तो फिलहाल मेरा पैडिंग वगैरह सही है। स्पेसिंग को मैं थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज करना चाहूंगा, स्पेसिंग मेरा इतना सही है। फिर उसके बाद हम बॉर्डर टाइप चाहो तो बॉर्डर दे सकते हो, जैसे अगर हम सॉलिड कर देंगे तो कुछ इस टाइप का बॉर्डर आ जाएगा, लेकिन मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, बिना बॉर्डर का ही सही लग रहा है। उसके बाद जो ये राउंड है तो आपको रेडियस देकर के आप इसको बढ़ा घटा सकते हो, इसका राउंडनेस को कितना गोल रहेगा। आइकन होवर पे हम जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ से इसको एनिमेट करते हैं कि जब हम इस पर कर्सर लाएं तो ये क्या करे, ये पॉप होना चाहिए। जब हम इसमें कर्सर लाएंगे तो कुछ इस टाइप से ये देखिए इसका एनिमेशन हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर कर देना है अपडेट। अपडेट करने के बाद हम जाएंगे एडवांस में। एडवांस में जाने के बाद मुझे इसका मार्जिन थोड़ा सा बढ़ाना है, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ये जो है क्लोज लग रहा है, तो इसका मार्जिन नहीं बढ़ाते हम चलते हैं सीधा इस स्ट्रक्चर पे। इस स्ट्रक्चर के ऑप्शन पे जाएंगे और स्ट्रक्चर के ऑप्शन में जाकर के यहाँ से इस स्ट्रक्चर का मार्जिन को हम यहाँ से टॉप से हम इसको 10 कर देते हैं, ठीक है। तो 10 सही है, तो हमारा कुछ इस टाइप का पेज बन चुका है। और यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको कहा था पैरेलैक्स इफेक्ट, तो कुछ इस टाइप का इफेक्ट आपको देखिए, जो पीछे बैकग्राउंड है वो फिक्स है, बट जो आगे का जो पेज है वो मूव हो रहा है। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जितना बड़ा इमेज होगा, जैसे आप इमेज को एडजस्ट करेंगे तो उतना ही अच्छा आपका जो है ये, और जितना अच्छा आपका इमेज भी होगा उतना अच्छा आपका ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। फिलहाल मेरा नीचे कोई कंटेंट नहीं है इसलिए ये और ऊपर नहीं जा रहा है, नहीं तो ये और ऊपर जाता तो और भी अच्छा लगता। तो आप इस चीज़ को एक बार ट्राई कीजिएगा। फिलहाल मैं वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है तो और हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, या तो आप यहाँ पर जो है और भी बहुत चीज़ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आप दिए जो भी चीज़ आपको ऐड करना है सर्च कर लीजिए। जैसे अगर आप रेटिंग्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको रेटिंग का सर्च करके दिखा देता हूँ। स्टार रेटिंग्स है, टेस्टिमोनियल्स है, बहुत सारा चीज़ है, जो भी चीज़ आपको ऐड करना है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं अब यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करूँगा। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। देखो डेस्कटॉप में तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का पेज हमारा दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना, इसको अभी हम और अच्छे से अगर बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पेज ये बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो टाइम उतना नहीं है। उसके बाद आपको अब क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आप देख लीजिए। यहाँ पर जाना है रिस्पॉन्सिव मोड पे। रिस्पॉन्सिव मोड का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर जाना है, और इस पर जाकर के हम देखेंगे कि डेस्कटॉप में तो ये चीज़ सही है लेकिन मोबाइल में ये सारी चीज़ें कैसी दिख रही है। क्योंकि डेस्कटॉप में जो है स्क्रीन बड़ा होता है, मोबाइल में स्क्रीन छोटा होता है। तो आपको जो वेबसाइट है आपको वेबसाइट को टैबलेट के लिए भी जो है ऑप्टिमाइज़ करना होगा, मोबाइल के लिए भी ऑप्टिमाइज़ करना होगा, अच्छे से कंटेंट को जो है एडजस्ट करना होगा। तो डेस्कटॉप में मेरा कंटेंट कुछ इस टाइप का दिख जाता है, बट मोबाइल में जो मेरा कंटेंट है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। और एक बात की ये जो पैरेलैक्स इफेक्ट आपको जो यहाँ पर डेस्कटॉप पर देखने को मिलता है जब हम इसको अप डाउन करते हैं, तो लेकिन ये आपको सिर्फ डेस्कटॉप पर ही देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको टैब में भी काम नहीं करेगा और ये चीज़ मोबाइल में भी पैरेलैक्स इफेक्ट जो है काम नहीं करता है, ये सिर्फ डेस्कटॉप पर ही काम करता है। तो मोबाइल में भी हमारा पेज कुछ इस टाइप का दिख रहा है, ऑटोमेटिक ये एडजस्ट हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हो आप एलिमेंटर की मदद से, ये एडजस्ट हो गया है। बट कभी कभी क्या होता है कि हमने यहाँ पर साइज को जो है सही रखा है, इस कारण से एडजस्ट हो चुका है। लेकिन अगर आप क्या करोगे, साइज वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दोगे तो क्या होगा कि यहाँ पर डेस्कटॉप पर तो वो एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि डिस्प्ले बड़ा है, लेकिन मोबाइल पर वो एडजस्ट नहीं होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर रिस्पॉन्सिव मोड में जाके यहाँ से मोबाइल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। मोबाइल को सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर जो भी चीज़ एडिट करेंगे, जिस भी चीज़ को आप एडिट करेंगे वो चीज़ आपका मोबाइल के लिए एडिट होगा, ठीक है। आप जिस भी चीज़ को एडिट करना चाहते हैं बस उस पर एक बार क्लिक कीजिए, और यहाँ से जो भी आप एडिटिंग करेंगे तो वो मोबाइल वर्जन के लिए एडिट होगा। डेस्कटॉप टैबलेट पे वैसे ही दिखेगा, मोबाइल वर्जन में वो एडिट होकर के, जैसे अबाउट अस अगर मेरा बड़ा हो गया, मोबाइल वर्जन में जाएंगे और यहाँ पर हम अबाउट अस को थोड़ा छोटा कर देंगे तो वो मोबाइल में छोटा होगा, डेस्कटॉप और टैबलेट में नहीं छोटा होगा। वैसे ही अगर टैबलेट में हमको कोई चीज़ को अलग से एडजस्ट करना हम चाह रहे हैं, कोई चीज़ टैबलेट में अलग से दिखे, तो हम उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप जिस भी मोड में जाकर के जो भी सेटिंग करोगे वो सेटिंग्स उसी मोड में जो है मतलब एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मोबाइल में क्या हो कि ये चीज़ जो है मेरा ऊपर दिखे, ये चीज़ नीचे दिखे, तो आप मोबाइल में जाके ऐसे कर सकते हो तो वो उस टाइप से एडजस्ट हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हमारा अबाउट अस पेज बन चुका है और हम इसको कर देते हैं अपडेट एंड चलते हैं वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जाकर के करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर देखिए एक पेज यहाँ पर आ गया है अबाउट अस। अबाउट अस पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ इस टाइप का आपको पेज दिख जाएगा। तो कुछ इस टाइप का अभी हमारा पेज दिख रहा है, तो मुझे ये पेज सही लग रहा है। हम इस पर और भी काम करते तो ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता। सिंपल अगर आप पेज बनाओगे तो उससे तो लाख गुना ज़्यादा अच्छा है कि आप एलिमेंटर को यूज़ करके थोड़ा अट्रैक्टिव टाइप का पेज बना लो।
तो गाइज आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको एलिमेंटर को पूरा सीखना है तो आप प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और लाइक करने के साथ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसे सीखने का मौका मिल सके। और गाइज आप हमें सोशल साइट पे जरूर फॉलो कर लीजिए, एजुकेशनल रोहित ऑफिशियल हमारा यूजर नेम है एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वरना आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस कैसे देख पाओगे। और आगे बहुत सारे वीडियोस अभी आने वाले हैं, तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो गाइज वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।